नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर आपके साथ अपने इस सीरीज़ के एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है प्लॉट चेंज से लेकर प्लॉट शुद्धि तक और प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और बहुत सारे टॉपिक अभी आ रहे हैं आपने प्लॉट परचेज किया हुआ है और प्लॉट साउथ वेस्ट फेसिंग है यानी नैत्यमुखी है वास्तुशास्त्र में नैरत्यों के यानी साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया लेकिन आपने एक स्पेशल पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर प्लॉट परचेज करना है और वहाँ पर जितने भी प्लॉट हो वो सारे प्लॉट डायगनल है तो आपने उसी एरिया में रहना है तो वहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट मिलेगा या साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट मिलेगा या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट मिलेगा या साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट मिलेगा तो उसमें से आपको कोई ना कोई प्लॉट तो सेलेक्ट करना होगा आपने साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट परचेज किया हुआ है और आप उसके अंदर अपना घर बनाने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको उसके अंदर कौन सा हिस्सा ऊंचा रखना चाहिए और कौन सा हिस्सा नीचा रखना चाहिए आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा आपके प्लॉट का साइज बड़ा है तो आप अपने प्लॉट के अंदर चारों तरफ से ओपन एरिया रखकर बिल्डिंग को बनाएं प्लॉट का साइज छोटा है तो आप फ्रंट में और बैक साइड में ओपन एरिया रखकर बिल्डिंग बनाए क्योंकि साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप फ्रंट के भाग में ओपन एरिया रखते हैं तो आपको बैक साइड में यानी नॉर्थ ईस्ट के भाग में ओपन एरिया जरूर रखना है आप अपने फ्रंट के भाग में साउथ वेस्ट जोन में ओपन एरिया नहीं रखते लेकिन फिर भी आपको नॉर्थ ईस्ट के भाग में ओपन एरिया जरूर रखना है कहाँ से कहाँ तक नॉर्थ कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट होते हुए ईस्ट कॉर्नर तक ओपन एरिया जरूर रखना है जब भी साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट खरीदा जाता है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस प्लॉट के अंदर नॉर्थ ईस्ट का भाग यानी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट होते हुए ईस्ट कॉर्नर तक यानी नॉर्थ ईस्ट जोन हमेशा ही ओपन होनी चाहिए खुली होनी चाहिए खाली होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट का भाग खाली होने से नीचा होने से आपके यहाँ साउथ वेस्ट का वास्तु दोष नहीं लगता वो हमेशा ही खुशहाली देता है क्यों देता है क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग खुला हो जाता है और फर्श के लेवल में नीचा हो जाता है आप अपने घर को बनाने जा रहे हैं और गलती से आप नॉर्थ ईस्ट का भाग ऊंचा कर देते हैं और साउथ वेस्ट का भाग नीचा कर देते हैं तो वो घर हमेशा ही आपके लिए नुकसानदायक रहेगा इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका अपना फ्रंट का भाग है वो हमेशा फ्लोर लेवल में ऊंचा होना चाहिए और बैक साइड में फ्लोर लेवल में नीचा होना चाहिए इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है ऐसे ही आपने करना क्या है जो आपका साउथ कॉर्नर है साउथ कॉर्नर से साउथ वेस्ट जोन तक उस हिस्से को आपने ऊंचा करना है वहाँ पर मिट्टी डालकर उसका फ्लोर लेवल ऊंचा कर सकते हैं ईंटों का चबूतरा बना सकते हैं और वहाँ पर पहाड़ नुमा स्टोन लगाकर भी उसको ऊंचा कर सकते हैं ये बताया मैंने आपको आपका अपना मेन गेट वेस्ट कॉर्नर में आता है तो साउथ कॉर्नर से साउथ वेस्ट तक इस हिस्से को आपने एक्स्ट्रा ऊँचा करना है जब ये एरिया एक्स्ट्रा ऊँचा हो जाता है तो आपके घर के अंदर खुशहाली आ जाती है यदि आपका साउथ कॉर्नर में गेट आता है तो आपने वेस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट तक वेस्ट के भाग को ऊंचा करना है यहाँ पर मिट्टी डालकर भी इस हिस्से को ऊंचा किया जा सकता है और ईंटों का ठोस चबूतरा बनाकर भी इसको ऊंचा किया जा सकता है और यहाँ पर स्टोन लगाकर, पत्थर लगाकर भी इस हिस्से को ऊंचा किया जा सकता है बनाया जा सकता है और साथ में यहाँ पर मोटी दीवार करके भी इस हिस्से को हैवी किया जा सकता है इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का भाग हमेशा ही नीचा होना चाहिए और इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है क्योंकि आपका प्लॉट साउथ वेस्ट फेसिंग है फ्रंट के भाग में आपके यहाँ ना तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए ना ही समर्सीबल होना चाहिए और ना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना चाहिए और एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना जो हमेशा ही हर जगह गलती देखने को मिलती है क्योंकि साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो उसमें जहाँ आपका मेन गेट लगता है आपने वेस्ट कॉर्नर में मेन गेट लगाया तो वहाँ पे पार्किंग एरिया नीचा कर देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है ऐसे ही साउथ कॉर्नर में गेट लगाते हैं और वहाँ का पार्किंग एरिया नीचा कर देते हैं तो भी वास्तुदोष बन जाता है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट लेते हैं तो अपने मन में एक बात जरूर रखें बनाने से पहले कि आपने फ्रंट के भाग को ऊंचा रखना और बैक साइड का भाग यानी नॉर्थ ईस्ट का भाग हमेशा नीचा रखना है यदि आप ये पॉइंट नोट करते हैं और इसके हिसाब से आप अपने साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट को बना सकते हैं तो आप ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन चालू करें अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट को सेल करके कोई दूसरा प्लॉट खरीदें आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहाँ से मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आप वास्तु शास्त्र का कोर्स कर रहे हैं या आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं या आप आर्किटेक्ट हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी इस पुस्तक में वास्तुशास्त्र के साथ साथ हमारे अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जरूर मिलेगा जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस पुस्तक में वाकई में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा जानकारी है और हमारी यह पुस्तक बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखी गई है एक फिफ्थ क्लास का बच्चा भी इस पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आप मेरी इन सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें सुने समझें और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है और आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर तीन प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार